नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार म्यूजिक गैंगवे में। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में दो तीन दिन लाइव के बाद आज फिर से एमसीक्यू का वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ ही अभी तक जो लोग चैनल पे जुड़े हैं और सारा वीडियो नहीं देखे हैं वो सभी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ स्टेट और बीपीएससी एग्जाम का, तो सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए फिर से एक बार। जो लोग अभी नए हैं और सारा वीडियो नहीं देखे हैं, सभी वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेक्चर है, एमसीक्यू है और सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो भी है, सारे जो जितने भी वीडियो हैं। तो फिर से एक बार आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को पूरा देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का ऑल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाए, ठीक है। किताबों की दिक्कत हो रही है, किताबें ऑनलाइन मंगा लीजिए मैसेज के माध्यम से। कई बार मैं वीडियो में भी बताता हूँ, किताबें के बारे में भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, ठीक। और रही बात नोट्स की, तो वो भी देख रहे हैं बन रहा है कैसे क्या करना है। आप सभी को किसी भी तरह से एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवाना मेरा मकसद है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, जो भी अपडेट्स है चैनल पे आप सभी को मिलता ही है, ठीक। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और 50 एमसीक्यू है जो आपका एक मॉक टेस्ट ही है, तो कितना नंबर पाए हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो जो लोग भी वीडियो को देखें एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए मिलते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है, राग ललित किस थाट का राग है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था और जितने भी मैं क्वेश्चन एमसीक्यू कराता हूँ ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपी टीजीटी में, दिल्ली में या ईएमआरएस में, या अभी तो बीपीएससी की अब चालू हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बिहार में स्टेट की परीक्षा नहीं हो रही थी, संगीत से लोग पढ़े हुए थे, पढ़ पढ़ कर दूसरी नौकरी कर रहे थे, कोई प्राइवेट जॉब, कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, लेकिन भर्ती आई है तो एक चांस है। तो अच्छे से आप लोग चांस लिए हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, किताब लीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। यहाँ पे आपको मिल रहा है राग ललित किस थाट का राग है। पहला ऑप्शन है भैरव, बी है असावरी, सी है मारवा और डी है कल्याण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, पहला जो क्वेश्चन है इसमें सही ऑप्शन क्या है। वैसे राग ललित जो है पूर्वी अंग से भी गाए जाते हैं, मतलब पूर्वी थाट से भी माना जाता है, क्योंकि रे धा कोमल और दोनों म का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं पर मारवा भी है, तो इसमें मारवा दिखा रहा है तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मारवा थाट, ये मारवा थाट का भी है और पूर्वी थाट का भी इसको रखा जाता है। और थाट इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो होता है ना उसकी चलन, उसके हिसाब से इसको मारवा में रख दिया गया है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या मिल रहा है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, सरोद वादन से, ख्याल गायन से, कथक नृत्य से, तबला वादन से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इसमें, बिरजू महाराज का संबंध किससे है, वो है कथक नृत्य, किससे है, कथक नृत्य से, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन को हम लमसम 30 सेकंड के अंतराल में, यानी कि 20 से 25 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं लेना है, कैसे तैयारी करना है सारी चीजें मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ। और बहुत सारे मैसेज और कॉल्स आते हैं, सर आपके ऐप से कैसे जुड़े, आपके चैनल से कैसे जुड़े, कैसे ज्वाइन करें, तो मैं बता दे रहा हूँ अभी मेरे पास कोई ऐप नहीं है और मैं यूट्यूब के अलावा किसी भी तरह का क्लास नहीं लेता हूँ, यूट्यूब पे ही वीडियो लाइव देता हूँ और यहीं पे सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। पीडीएफ म्यूजिक गैंगवे टेलीग्राम पे मिल जाती है, पहले मिलती थी, अब धीरे धीरे थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है तो पीडीएफ की भी व्यवस्था हो रही है, कैसे क्या करना है। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको मिलता ही है वहाँ पर पीडीएफ, ठीक है। और
अभी तक निःशुल्क चल रही थी, आगे क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या करना है, नोट्स वगैरह बनते हैं तो क्या चार्ज देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आगे गधनी कोमल युक्त थाट है, काफी भैरव कल्याण असावरी। गा धा और नी कोमल युक्त थाट कौन सा आप लोग भी जानते हैं, यहाँ पे काफी में क्या हो जाता है, काफी में गनी कोमल हो जाएगा, ठीक है, भैरव में रेधा कोमल हो जाएगा और कल्याण में आपका मत तीव्र हो जाएगा और असावरी में ग ध और नी कोमल होती है, तो यहाँ पे गधनी कोमल दिया है तो इसका सही आंसर असावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्णतः संगीतमय वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सही ऑप्शन क्या होगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, बी हो जाएगा, सामवेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बृहदेशी के लेखक कौन है, लोचन, भरत मुनि, वेंकट मुखी, मतंग मुनि, बृहदेशी के लेखक कौन है, सही ऑप्शन बताइए आप लोग, चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बृहदेशी, इसके लेखक मतंग मुनि है ना जी। चलिए देखते हैं, नारायण मोरेश्वर खरे शिष्य थे पंडित भातखंडे के, पंडित पलुष्कर के, मल्लिकार्जुन मंसूर के, सवाई गंधर्व के, नारायण मोरेश्वर खरे शिष्य थे किसके थे, तो वो थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर के शिष्यों में एक अच्छे शिष्य थे। प्रथम भारत रत्न संगीतज्ञ है, प्रथम भारत रत्न किस संगीतज्ञ को मिला था, पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, एम एस सुबुलक्ष्मी, पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। प्रथम भारत रत्न संगीतज्ञ है पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, एम एस सुबुलक्ष्मी, पंडित भीमसेन जोशी, आइए मैं बता दूं, तो वो हैं आपके एम एस सुबुलक्ष्मी, ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा इसका। सितार के पहले तार को किस स्वर से मिलाया जाता है, सितार के पहले तार को किस स्वर से मिलाया जाता है, ठीक है, मंद्र, मध्यम से, पंचम से, नी से, सा से, ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बताइए, जी बिल्कुल सही, ये मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है, ठीक है ना, मंद्र मध्यम से पहला तार, ठीक है, दूसरा तीसरा जोड़ी के तार जो होते हैं मंद्र सा से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, मंद्र मध्यम, ठीक है। ये अगला जो क्वेश्चन है ये है, सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को क्या कहते हैं, विलंबित गत और एक द्रुत गत होती है, विलंबित गत को मशीनखानी गत और द्रुत गति में जो होती है वो रजाखानी गत होती है, तो यहाँ पे विलंबित गत पूछ रहा है तो रजाखानी गत, मशीनखानी, फिरोजखानी, ख्याल, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मशीनखानी गत, ठीक है, याद रखिएगा विलंबित ख्याल में, विलंबित लय में मशीनखानी गत बजती है। उदांत, अनुदात और स्वरित के लिए कौन सा क्रम सही है, नीचा, मध्यम, ऊंचा, ऊंचा, मध्यम, नीचा, ऊंचा, नीचा, मध्यम, नीचा, ऊंचा, मध्यम, ठीक है, तो उदात का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है, अनुदात का मतलब होता है नीचा और स्वरित का मतलब होता है मध्यम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऊंचा, नीचा, मध्यम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा उसके हिसाब से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प प रे ग रे नी ध नी रेसा, ठीक है, स्वर समूह किस राग के हैं, ठीक है, नी रे ग रे प रे ग रे नी रे सा, प म ग रे सा, किस राग का है, तो यमन, शुद्ध कल्याण, बिलावल, बिहार, ये जो है ये है यमन का, ठीक है ना, यमन कल्याण। आइए आगे देखते हैं, सदा रंग एवं आधा रंग किसके दरबारी गायक थे, अकबर के, जहांगीर के, मोहम्मद शाह रंगीले, सुल्तान हुसैन सर की, सदा रंग और आधा रंग किसके दरबारी गायक थे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले, जो बेहद ही अच्छे एक संगीत प्रेमी थे। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या मिल रहा है, किसी भी ताल ये एक पूरे चक्कर को क्या कहते हैं, किसी भी ताल का पूरा एक चक्कर बजा देंगे, पूरा एक मतलब तीन ताल है 16 मात्रा का, तो धा से लेकर एकदम पूरे अंतिम स्वर मतलब बोल तक, ठीक है, अंतिम ठेके तक, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तीन तीन ता धिन धिन धा, ठीक है, धा तक,
तो 16 मात्रा को एक बार पूरे बजा देने को क्या कहते हैं, किसी भी ताल का पूरा एक चक्कर बजाने को क्या कहते हैं, आवर्तन ठेका चक्र चक्रदार। तो इसमें एक बार पूरे ताल को एक बार केवल पूरा बजाना आवर्तन कहलाता है। अगर दो बार उसी ताल को पूरा पूरा ठेका बजा दे तो दो आवर्तन, तीन बार तीन आवर्तन। निम्न में से अचल स्वरों के नाम क्या क्या हैं? अचल स्वर किसे कहते हैं, जो चलते नहीं अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, उनके दो रूप नहीं होते, सा म सा प सा ध सा ग। तो इसमें अचल स्वर क्या हो जाएगा, सा तो सभी में है लेकिन ये यहाँ पे म तीव्र होता है, कोमल होता है, ध जो होता है ये भी शुद्ध और कोमल होता है, ये ग भी कोमल होता है शुद्ध होता है। ये देखिए म तीव्र भी होता है और शुद्ध भी होता है, शुद्ध को कोमल माँ भी कभी कभी कहते हैं। तो इसमें आपका जो सा और प है ना, ये अचल स्वर है। अचल स्वर कौन सा है, सा और प, ठीक है, ये हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, राग दरबारी कन्हाड़ा किस थाट के अंतर्गत माना गया है, दरबारी कन्हाड़ा। तो दरबारी कन्हाड़ा अगर गाए हैं या सीखे हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से स्वर लगते हैं, और स्वर के हिसाब से हमें थाट पहचाननी रहती है। कल्याण असावरी काफी मारवा, तो दरबारी जौनपुरी असावरी ये सब किसके हैं, असावरी के हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राग मल्हार का प्रकार नहीं है, कौन सी कल्हाड़ा, मेद, चरछू, रामदासी। तो इसमें जो है मल्हार का प्रकार है, कौन सी कन्हाड़ा नहीं है, कल्हाड़ा अंग का है और वो सारे मल्हार अंग के हैं। यहाँ पे प्रथम श्रुति का क्या नाम है, श्रुति 22 जो होती है उसको भी याद कर लेना है कि पहली श्रुति पे कौन है, दूसरी श्रुति पे। 22 श्रुति का क्रम अगर याद रहेगा तो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन श्रुति से आने ही आने हैं, तो ये भी पूछ देता है। अब प्रथम श्रुति की बात हो रही है तो रोहिणी, उग्रा, तिब्रा, मंदोवती, छंदोवती की जगह पे मंदोवती लिख दिया है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिब्रा जो है प्रथम श्रुति है, ठीक है ना। भरत के अनुसार भैरवी थाट आधारित राग है, भटियार, मालकोन, सानंद भैरव, दरबारी। यहाँ पे भैरवी थाट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भैरवी थाट का राग इसमें कौन है जी, मालकोंस, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही होगा, मालकोंस भैरवी थाट का राग है। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर आपके सामने है, मध्यम ग्राम में पंचम की श्रुति पे रहता है, मध्यम ग्राम में पंचम की श्रुति पे रहता है, 15, 17, 16, 20। मध्यम ग्राम में क्या होता है, षड्ज ग्राम में क्या होता है, षड्ज ग्राम में 17वीं श्रुति पे रहती है, मध्यम ग्राम में एक श्रुति नीचे आ जाती है, तो किस श्रुति पे हो जाएगी, 16वीं श्रुति पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नंबर 20 क्वेश्चन क्या है, औड़ो जात में कितने स्वर होते हैं, औड़ो जात के राग में कितने स्वर होते हैं, ये तो बताए ही हैं, 5, 7, 8, 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन 5, ठीक है, औड़ो के लिए है, ठीक है, 7 ये क्या हो जाता है, संपूर्ण के लिए है, और ये जो है साड़ों के लिए है, ठीक, साड़ों में ये रहता है, संपूर्ण में 7 स्वर, औड़ों में ये, तो आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, जय जयवंती किस श्रेणी का राग है, किस श्रेणी का राग है, संकीर्ण राग, छाया राग, परमेल, प्रवेशक राग, विकृत राग। संकीर्ण राग क्या होता है, कई रागों का मिश्रण होता है, छाया लग जिसमें किसी राग की छाया दिखाई देती हो, परमेल प्रवेशक क्या होता है जिसमें एक थाट से दूसरे थाट में जो राग जाते हैं उनका गायन समय एक समय काल से दूसरे समय काल में परिवर्तित होता है, ठीक है, खत्म होने वाला रहता है या शुरुआत हो जाती है दूसरे समय चक्र में, उसको हम लोग परमेल प्रवेशक कहते हैं। तो जय जयवंती एक परमेल प्रवेशक राग है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका हो गया किसी तंत्र वाद्य की चौकी अथवा घूड़च, ठीक है, चौकी अथवा घूड़च पर क्या होती है, मिलान, ट्यूनिंग, मसाल, ज्वारी। तो चौकी अथवा घूड़च, ठीक है ना, ये आपका ये जो तबली होती है, यहाँ पे आपका तबली जो होती है यहाँ पे जो घूड़च लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो घूड़च लगा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वारी बोलते हैं, ठीक है ना, ज्वारी। यहाँ ये घरानों का नींव किस काल में पड़े,
भरत काल, राजपूत काल, मौर्य काल, ब्रिटिश काल, घराना कब बने? सही आंसर क्या होगा इसमें? राजपूत काल में, ठीक है ना, जब राज दरबार आए, राज घराने आए तब बने। यहाँ पे आ गया है द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किसने किया? द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किसने किया? अहोबल, सारंगदेव, आचार्य, भरत, मतंग। तो द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किसने किया बताइए? सही आंसर क्या होगा इसमें? 10 सेकेंड क्या दिया है जी? क्या हो जाएगा जी? मतंग हो जाएंगे, ठीक है ना, बड़ा कंफ्यूजन था। चलिए देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर अर्धदशक स्वर के नाम से जाना जाता है? अर्धदशक स्वर कई बार मैं बताया हूं, सा, म, नी, रे। कौन सा अर्धदशक स्वर होता है? जो पूर्वांग उत्तरांग के बीच में होता है, जो समय का निर्धारण करता है, तो वो है आपका म, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये बेहद ही, ठीक है, अर्धदशक स्वर जो है बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंडित रविशंकर किस घराने से है? सेनिया, पटियाला, मैहर, ग्वालियर, बताइए। और ये किनके शिष्य थे? अलाउद्दीन खां के शिष्य थे पंडित रविशंकर, और ये जो थे मैहर घराने के थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारी चीजें तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे दे रखा है शहनाई किस वर्ग का वाद्य है? शहनाई किस वर्ग का वाद्य है भाई? तो शहनाई तत् घन औनत सुशीर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। शहनाई हवा से बजता है ना जी, तो सुशीर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, सड़ज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं हैं? 7, 5, 10, 4, 9। सड़ज ग्राम की कितनी मूर्छना है? सड़ज ग्राम की कितनी मूर्छना है? वो है 7, ठीक है ना। सभी ग्रामों की मूर्छनाएं 7 होती है। यहाँ पे दे रखा है गजझंपा ताल में कितनी मात्राएं हैं? गजझंपा ताल 14, 15, 16, 18, कितनी मात्रा होती है गजझंपा में? जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, गजझंपा में 15 ताल हो मात्रा होती है। यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से 14 मात्रा का ताल है, कौन सा ताल 14 मात्रा का है? 3 ताल, झप ताल, धमार ताल, सुर ताल, कौन सा ताल हो जाएगा? यहाँ पे सुर ताल लिख दिया है, ये सुल ताल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये 16 मात्रा का हो गया, झप ताल 10 मात्रे का हो गया, ये 14 मात्रे का हो गया, ये भी 10 मात्रे का। तो यहाँ पे 14 मात्रा पूछ रहा है, तो ये धमार ताल हो जाएगा ना जी। सड़ज ग्राम में पंचम की श्रुति पर स्थापित है, सड़ज ग्राम में पंचम की श्रुति पर 17वीं, 16वीं, 15वीं, 14वीं। तो सड़ज ग्राम में पंचम की श्रुति पर स्थापित है, तो सड़ज ग्राम में है 17वीं श्रुति पे, ठीक है ना, मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललिता अंग में किया जाता है? मारुविहाग, बसंत, परज, केदार। तो ललितांग में किया जाता है, राग ललितांग में, किस राग में? तो वो हो जाएगा बसंत, ठीक है ना, बसंत राग में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, असावरी राग में कौन कौन से स्वर कोमल लगते हैं? असावरी में कौन कौन से? रेगा ध, गध, नी, रेनी, गनी, रे। तो ये भी आसान है, असावरी थाट के बारे में जानते हैं तो बता सकते हैं, गधनी कोमल लगता है असावरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, वाजिद अली शाह का उपनाम है, वाजिद अली शाह का उपनाम है, सरस पिया, अख्तर पिया, प्रेम पिया, सुघर पिया, वाजिद अली शाह का उपनाम क्या है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सही ऑप्शन हो जाएगा अख्तर पिया, बी जो है सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? 3, 2, 5, 4।
तो जैसा कि जानते हैं 14 मात्रे का ताल है धमार, और इसमें विभाग कितने होते हैं, 4 विभाग होंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखते हैं, कर्नाटक की संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं, क्या कहते हैं, कनकांगी, खरहप्रिया, सुपंतरावली उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कर्नाटक की शुद्ध स्वर सप्तक को हम लोग क्या कहते हैं, कनकांगी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ दे रखा है तबला किस वर्ग का वाद्य है, औनद और घन सुशीर तत्, ठीक है, यहाँ पे औनद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन, सही ऑप्शन औनद हो जाएगा। तबला किसका है, औनद का है, ठीक है ना। घन मतलब जो पीट कर बजाया जाता है या धातु का बना होता है, सुशीर जो हवा से बजती है, तत जो तार का बना होता है, ठीक है। चलिए इसका वीडियो मैं एक दिन बना रहा हूँ, इस पर क्लियर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट हैं, 10, 12, 20, 7। उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट हैं बताइए। तो ये तो आसान है जी, 10 थाट हैं, ये ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पे आइए, राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है, कई बार बताया हूँ 5, 6, 8, 2। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, कम से कम 5 स्वर होने चाहिए, ये रहा। अचल स्वर किसे कहते हैं, अरे सॉरी, अचल स्वर किसे कहते हैं, कितने होते हैं ये होना चाहिए, अचल स्वर कितने होते हैं, ठीक है, कितने हैं। तो सा और प दो है, सी ऑप्शन सही जाएगा, प्रश्न थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे दे रखा है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, पागल दास, निजामुद्दीन औलिया, कबीर दास, हरिदास। तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे बताइए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे, ये द्रुत ख्याल और सितार के आविष्कारक माने जाते हैं। यहाँ पे कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य कितनी ताले हैं, कर्नाटक पद्धति में मुख्य कितनी ताले हैं भाई बताइए, सही जवाब क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक है, बिल्कुल सही, 7 मुख्य ताले हैं। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, थाट राग पद्धति के अंतर्गत कितने आश्रय राग होते हैं, कितने होते हैं, ए है 5, बी है 7, सी है 10, डी है 9। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10, ठीक है ना। थाट 10 है तो आश्रय राग भी 10 ही होते हैं, कई बार बताया हूँ कि जो हमारे 10 थाट है उनके नाम पे जो राग है उसको ही आश्रय राग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ ये घुंघरू किस वर्ग का वाद्य है, तत है कि औनद है कि सुशीर है कि घन है, घुंघरू बताइए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, घुंघरू क्या है, वो है घन, ठीक है ना। घुंघरू धातु का बना होता है या उसको ऐसे करने से रगड़ने या वैसे हाथ से करने से बजता है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया आपका, प्राचीन शुद्ध गंधार को आधुनिक अवस्था में क्या कहते हैं, प्राचीन शुद्ध गंधार जो पहले का शुद्ध गंधार हुआ करता था, इस समय क्या है, मध्य तीव्र मध्यम कोमल गा शुद्ध रे, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कोमल गा, ठीक है ना, कोमल गा कहा जाता है आधुनिक में। यहाँ पे दिया रहा है, क्या दिया रहा है जी, ब्रह्मताल में कितनी मात्राएं होती है, ब्रह्मताल में कितनी मात्राएं होती है, कई बार बताया हूँ तो जो लोग जानते हैं तो फटाक से बताएंगे, जिनको नहीं मालूम है पता कर ले, 28 मात्रा होती है ब्रह्मताल में। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, तिलवाड़ा में कितनी मात्राएं होती है, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है, ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन 16, ठीक है ना, तिलवाड़ा और तीन ताल में 16 मात्रा होती है। यहाँ पे दिया है तानपुरा को अधिकतर इन स्वरों में मिलाया जाता है, तानपुरा को किससे मिलाया जाता है जी, मंद्र पंचम, ठीक है, और यहाँ पे सा, मध्य सा, मध्य सा, और यहाँ पे मंद्र सा से मिलाया जाता है। इसमें कोई ऑप्शन अभी उस तरह का सही दिख नहीं रहा है, तो
तानपुरे के पहले तार को किससे मिलाया जाता है? मंद्र पंचम से, ठीक है, और दूसरा और तीसरा को मध्यसा, ठीक, और जो चौथा होता है इसको मंद्रसा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, इसमें कोई ऑप्शन सही दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम इसको ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा। ये देखिए दिया रहा है, उठान किस घराने की विशेषता है? पंजाब, बनारस, हजराड़ा, लखनऊ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, लेकिन मेरे हिसाब से उठान किस घराने का है तो ये हो जाएगा बनारस का, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है क्या, रजाखानी गत में कौन से बोल निश्चित रूप से होते हैं? द, दारा, दारा, दा, रदा, रदा, रा, द्रा, दिर, 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 क्या होता है जी? तो वो दारा, दारा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसमें यही दिया है तो यही कर देते हैं, ठीक है। चलिए, आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हुए, और इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन रहे एमसीक्यू के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।